हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाए। तो पाए जो है ना, यहाँ पे विंटर में खाए जाते हैं हमारे घर में पाकिस्तान में बड़े शौक से। तो मैंने सोचा बांग्लादेश में पाए बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले चॉप्ड प्याज जो है उसको अच्छे से करते रहे सोते, और जब थोड़ा सा कलर चेंज करे ना प्याज, तो उसमें मैं डाल दूँगी, क्या डालूँगी, अदरक और लहसुन जो है ना वो डाल दूँगी। ये वाली तो चीज़ें होती है हमारे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी खानों के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना तो जो स्टेप होता है। और उसी के बाद ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्च और कुछ गर्म मसाले साबुत डाल दिए हैं। अभी इनको अच्छे से मैं ना इसमें थोड़ा सा भूनूंगी, और उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है। जब ये सब कुछ अच्छे से भून गया तो मैं पाए डाल रही हूँ, और पाए की जो स्किन है वो मैंने रखी है, क्योंकि स्किन से काफ़ी अच्छा टेस्ट निकलता है, फ्लेवर निकलता है, और बहुत ऑयल निकलता है पाए में, और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये अच्छे से पाए पूरे साफ़ किए हुए हैं। तो अभी जो है ना इसको मैंने दम पे रख दिया है, जब तक ये थोड़ा सा अपना खुद का पानी छोड़े, जब तक खुद से पके। तो मैं ज़्यादा पानी अभी नहीं डाल रही हूँ, जब तक मुझे लगा कि अच्छे से पक गया है थोड़ा सा मसालों के साथ, तो फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके रखना है 1-2 घंटे के लिए, तो पकते ही है पाए। जब तक ज़्यादा नहीं पकाओगे तब तक उसका टेस्ट नहीं निकलेगा यार। तो अच्छे से देखो तेल भी निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, और ये हमारे पाए आहिस्ता आहिस्ता से रेडी हो रहे हैं। तो अभी जो है ना इसमें मैंने क्या किया कि कुछ और मसाले डालने हैं, इसे मसाले कुछ ज़्यादा नहीं, बस इसमें काली मिर्च है ना उसका अच्छे से बहुत टेस्ट आता है। तो काली मिर्च अच्छी खासी मैंने ऊपर डाल के और इसको ढक्कन दे दिया, उसमें ही पक रहा था, उसकी खुशबू निकलती है बहुत अच्छी। और साइड में हमने ना तवा नान बना रहे हैं कढ़ाई को उल्टा करके, और इससे नान बहुत काफ़ी मज़े के बने थे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था नान बनाने का, और बहुत अच्छा ही रहा। देखो परफेक्ट नान, नीचे से तो कलर बहुत अच्छा आ गया, फिर समझ नहीं आ रहा था ऊपर से कैसे पकाऊं, तो फिर उलट उलट के ऊपर से ऐसे ही पका लिया। तो एक तरफ से क्या होता है, इस रोटी को पानी लगाओ, जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए रोटी बनाते हैं ऐसे ही आटा बनाते हैं, और उसमें फिर नान की तरह ऐसे पकाते हैं। नान की रेसिपी किसी और दिन दे दूँगी। और आप आज पाए देख लो, पाए जो अच्छे खासे रेडी हो गए। मैं इसे गार्निश कर रही हूँ गार्लिक के साथ, सॉरी जिंजर के साथ, और उसमें हरा धनिया डाल देते हैं, और हमारे मज़ेदार लजीज विंटर की सौगात जो है ना वो रेडी हो गई। पाए अगर नान के साथ नहीं खाए तो क्या ही खाया यार। तो इसी के साथ ही ये छोटा सा वीडियो एंड करते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लव यू।